हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वह लगातार हमारे चैनल से जो पढ़ रहे हैं, जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट है उनकी भी स्टडी अच्छी चल रही होगी, और जो डी फॉर्म सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है उनकी भी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपके एग्जाम की मतलब फाइनल डेट फिक्स हो चुकी है कि आपके एग्जाम जो है 22 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। 22 जून से डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम आपका फार्माकोलॉजी का है, और जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनका फर्स्ट एग्जाम फार्मास्यूटिक्स का है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, एग्जाम टाइम में आप लोग लगातार स्टडी करिए, और ऐसा कोई काम ना करिए जिससे जो है आपकी स्टडी पर कोई इफेक्ट पड़े। मतलब अपनी स्टडी पर ओनली ध्यान दीजिए, और जब आपके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको जहां भी घूमना है, जैसे भी घूमना है, आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, देव फार्मेसी चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी मतलब शेयर कर दीजिए। तो हमारे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आई थी और कॉल भी आई थी कि सर, हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट है, तो हमें कुछ ऐसा बताइए कि कॉपी कैसी मिलती है एग्जाम के अंदर, और हम किस प्रकार से कॉपी को मतलब लिखेंगे। तो यही वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मतलब कॉपी को कैसे लिखेंगे। इसके बारे में जितनी भी बातें होंगी दोस्तों, उन सब बातों को हम बताएंगे। जो डी फॉर्म सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है, मतलब सीनियर स्टूडेंट है, एक बार एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ने अभी तक एक बार भी एग्जाम नहीं दिया है आपका, मतलब जो डी फॉर्म का एग्जाम होता है। तो इसीलिए दोनों क्लास के लिए बनाया गया है। डी फॉर्म सेकेंड ईयर वाले भी इसको देख सकते हैं, और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट तो देखेंगे ही। जिसमें हमने एक कॉपी तैयार की गई है, मतलब इसी प्रकार की आपकी कॉपी मिलती है एग्जाम के अंदर, उसमें पेज होते हैं। जैसे इसमें हमने कम पेज को रखा है, उसमें लगभग 30 पेज होते हैं, मतलब 15 पेज होते हैं, एक पेज ऐसे हो गया, फिर इस हिसाब से 15 पेज होंगे तो आपकी 30 पेज की कॉपी हो जाती है। तो आपको मतलब किस प्रकार से इंट्रो भरेंगे, और उसके बाद कहाँ से कॉपी लिखना स्टार्ट करेंगे, और किस पैटर्न में आप कॉपी लिखे जिससे आपका मतलब जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको आपकी कॉपी अच्छी लगे, तो इन बातों के बारे में बात करेंगे। और जो स्टूडेंट मतलब डी फॉर्म के हैं वह हमारे चैनल से ऐड है, तो डी फॉर्म सेकेंड ईयर वाले और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले यूपी बोर्ड वालों के लिए ये फुल इंफॉर्मेशन है। इस प्रकार से आप कॉपी लिख के आना। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि सर, अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखते हैं तब हमको क्या नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहली बात सुन लीजिए, आप हिंदी में लिखिए तब भी आपको अच्छा नंबर मिलता है, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखिए तब भी आपको अच्छा नंबर मिलता है, और अगर इंग्लिश में लिखते हैं तब भी आपको अच्छा नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेकार कंटेंट लिखेंगे, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप बिल्कुल मतलब खराब टॉपिक लिख रहे हैं, तब आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप टॉपिक लिख रहे हैं उसमें मतलब कंटेंट है, अच्छी लैंग्वेज है, और उसके बाद जो बात आप लिख रहे हैं और जो आपका एग्जामिनर जो है कॉपी चेक कर रहा है उसको अगर समझ में आ रहा है, तो दोस्तों ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं है जो आपके मार्क्स काट ले। और एक बात तो ये है, आप लोग डायरेक्टली हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं, तो इंग्लिश तो आप लिख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी इंग्लिश मिक्स आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स में लगातार उसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपका एग्जाम, मतलब आपका एग्जाम क्लियर हो गया, 22 जून से आपका एग्जाम है, तो आप एग्जाम जब देने जाएंगे, मतलब एग्जाम सेंटर जाने से पहले, मतलब आपके सेंटर जो गए हुए हैं, तो सेंटर जाने से पहले दोस्तों आपको घर से जल्दी निकलना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन प्रॉब्लम के कारण जो है बहुत बच्चों के पेपर जो है लेट हो जाते हैं, मतलब छूट जाते हैं या आधा टाइम में पहुंचते हैं। और दोस्तों आपका एग्जाम जो होता है, मतलब 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 घंटे में ही पूरा एग्जाम आपको कंप्लीट करना होता है, और अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए, अगर 1 घंटा भी लेट हो गए तो आपका एग्जाम जो है निकल जाएगा। तो इसलिए आपको घर से जल्दी निकलना है, पहले दिन आप जल्दी निकल जाइए, और जितने भी एग्जाम दीजिए उसमें इस टाइमिंग से निकलिए। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आ जाए, आधा घंटा कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी आप एग्जाम देने टाइम से पहुंच जाए। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई, किसी को भी मतलब कॉपी के अंदर नंबर नहीं लिख के आना है। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम सर नंबर लिख के आ जाएंगे तब हमारे पास कॉल आएगी, पैसे मिल जाएंगे, मतलब पैसे दे देंगे, टीचर को पैसे मिल जाएंगे और वो हमको पास कर देगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कोई भी नंबर नहीं लिख के आना, जो कुछ लिख के आना, थ्योरी लिख के आना, क्वेश्चन आंसर लिख के आना, लेकिन नंबर नहीं लिख के आना, क्योंकि अगर आप नंबर लिख के आ जाते तो उसके बाद अगर आप पास भी हो रहे होते तब भी आपको फेल कर दिया जाता है। और
लगभग तीन पॉइंट आपको बता दिए, चौथा पॉइंट ये है आपका, मतलब आप एग्जाम में कॉपी लिखने जाए तो ज्यादातर मतलब जेल पेन का यूज ना करें, क्योंकि देखिए दोस्तों ये इतना पतला पेज होता है, अगर आप जेल पेन का यूज करेंगे तो जेल पेन आप इधर लिखेंगे तो आपका इधर भी आ जाएगा, फिर इधर लिखने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए दोस्तों जेल पेन का यूज बहुत कम करें, मतलब जो हेडिंग डालें आप तभी जेल पेन का यूज करें, वरना जेल पेन का यूज नहीं करें। मतलब अगर आपका मतलब एग्जाम है, एग्जाम में अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर को जैसे आप बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बना रहे हैं या ह्यूमन एनाटॉमी में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर को आप पेन से भी बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं, कलर का यूज ना करें, क्योंकि कलर का यूज करेंगे आपके पास टाइम कम होता है, आपको 6 लॉन्ग लिखना होता है, 10 शॉर्ट लिखना होता है, 20 मल्टीपल चॉइस करना होता है, जिसमें से अथवा में आपको एक लॉन्ग छोड़ना होता है, अथवा के रूप में एक शॉर्ट छोड़ना होता है, तो आपके पास टाइम कम होता है। अगर आप कलर्स का यूज करेंगे तो दोस्तों आपका मतलब एग्जाम जो है वह छूट भी सकता है, मतलब क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। तो इसीलिए टाइम का प्रॉपर ध्यान रखें, और दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी नकल लेके एग्जाम के अंदर जाना ही नहीं है, क्योंकि भले ही आप डायरेक्टली फेल हो जाए लेकिन एग्जाम के अंदर आप मतलब जो है नकल लेके ना जाए, किसी भी प्रकार का कोई कागज पे लिखा हुआ कोई इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार का लेके जाना नहीं है, ये बात आप लोग याद रख लीजिए और अपने दोस्तों को भी समझाइए, नकल करने के लिए किसी को भी सपोर्ट ना करिए। देखिए थोड़ा अगर पूछना पाछना होता है, मतलब मामूली सा मल्टीपल चॉइस, तो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा शक्ति कहीं भी नहीं होता है कि आप एक नंबर का एक सेकंड भी ना पूछ पाए। अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो हेल्प कर सकता है डायरेक्टली, अगर फैकल्टी या टीचर वहां पर जो भी लगे होते हैं ड्यूटी जिनकी होती है वो अगर मना करते हैं तो आप फर्स्ट टाइम ही मान जाइए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनके पास दोस्तों मतलब कॉपी लिखने का तरीका उनको नहीं पता है, क्योंकि अभी तक वो लोग लाइनिंग वाले पेज पे नोट्स बनाए, तो अब आप लोग जब सेकेंड ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर में आने के बाद जब आप स्टडी करेंगे स्टार्ट करेंगे, मतलब जब अपने आप नोट्स बनाना तो व्हाइट पेज वाली जो भी कॉपी आती है उन पे ही बनाना, क्योंकि आपका डी फॉर्म का एग्जाम व्हाइट पेज की कॉपी पर होता है, तो दोस्तों आपको व्हाइट पेज पर ही मतलब लिखना है डायरेक्टली। तो देखिए आप कॉपी आपको एग्जाम के अंदर ऐसी मिलेगी, देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भरना होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा आप इन्फॉर्मेशन को भर देना, जितना भी आपको पूछा जाएगा, एनरोलमेंट नंबर आपका, डेट पूछा जाएगा या कॉलेज नेम पूछा जाएगा, जो पूछता है भाई आप मतलब भर देना। फिर ये वाला पेज, मतलब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी, और इसके इधर वाला पेज, इसके इधर वाले पेज पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये इसको सिंपल छोड़ देना है। फिर आपको स्टार्टिंग करना यहाँ से, तो आपका जो पेपर मिला होगा तो पेपर में आपके तीन पैटर्न आते हैं, पहला पैटर्न कौन सा आता है, पहला आपका लॉन्ग आता है, दूसरा वाला शॉर्ट आता है, तीसरा वाला मल्टीपल चॉइस आता है। तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, अगर आप मल्टीपल चॉइस से स्टार्टिंग करेंगे, जैसे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस की है, फिर शॉर्ट की है, फिर लॉन्ग की है, तो इस पैटर्न में भी आप कर सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप मल्टीपल चॉइस करें, फिर उसके बाद लॉन्ग करें और शॉर्ट करें, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, या पहले आप शॉर्ट कर दीजिए फिर मल्टीपल कर दीजिए फिर लॉन्ग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप 10 मल्टीपल चॉइस कर दिए फिर शॉर्ट कर दिए तीन करने के बाद फिर से मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं फिर लॉन्ग कर दिए दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो आप सेक्शन कंप्लीट करें डायरेक्टली पहले उस सेक्शन को कंप्लीट कर लें, उसके बाद कोई नया सेक्शन स्टार्ट करें। देखिए नया सेक्शन तभी तो स्टार्ट करेंगे जब पहला पूरा सेक्शन जो है आप कंप्लीट कर देंगे, जब तक पहला पूरा सेक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरे सेक्शन से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे आपने स्टार्टिंग किया लॉन्ग क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट ए, ऊपर हेडिंग डाल लेना है लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट ए, उसके बाद क्या करना है आंसर नंबर वन, फिर आंसर नंबर आप वन डालेंगे, पूरा आंसर नंबर वन डिफाइन कर देना है। लॉन्ग आपको हमने कितना बताया है, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट आप लोग बस इतना सुन लीजिए लॉन्ग कितना लिखना है। देखिये ये वाला पेज पूरा भर देना है, ठीक है, फिर ये वाला इसका जो नेक्स्ट वाला पेज है ये वाला भर देना है, ये दो पेज भर गए, उसके बाद एक पेज ये वाला भर देना है। देखिए आप देख सकते हैं ये वाला पेज भर देना है, मतलब तीन पेज आपको भरने लॉन्ग के अंदर, चाहे सेकेंड ईयर के हो चाहे फर्स्ट ईयर के हो, एक डायरेक्टली मतलब औसत बना के चल रहा है कि हमको तीन पेज भरना ही है, कैसे भी भरना हो, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अगर पक्का पक्का आ रहा हो तो उसको लिख देना है, और अगर नहीं आ रहा हो तो पहले आप जो है जो भी आपको आ रहा हो उसको लिख देना है, फिर बाद में तो यूपी बोर्ड वाले आपको पता ही है मतलब उनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है,
कॉपी कम पड़ जाएगी लेकिन कंटेंट कम नहीं पड़ता है। आप लोग बहुत अच्छे हो तो मतलब क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड से है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है। सीबीएसई वालों को क्या होता है, मतलब सीबीएसई वाले अगर जितना रट के जाएंगे उतना ही लिख पाएंगे, उसके बाद उनको लिखना नहीं आएगा, लेकिन यूपी बोर्ड में तो टैलेंट होता है। तो दोस्तों 3 पेज का लॉन्ग लिख दिए, अब जब तक लॉन्ग कंप्लीट नहीं कर लेना तब तक सेक्शन छोड़ना नहीं है, पहले लॉन्ग कंप्लीट करो। और लॉन्ग को ध्यान में रखना, बहुत लोग अथवा नहीं देखते हैं, साथ के साथ तो लॉन्ग कर देते हैं, बोल देते हैं हमको नंबर बहुत ज्यादा मिल जाएगा। दोस्तों तुम साथ के साथ हो लिख के आ जाओ तब भी नंबर तुमको उतना ही मिलेगा, और अथवा वाला अगर नहीं करोगे तब भी नंबर आपको उतना ही मिलेगा। तो दोस्तों आपको अथवा वाला क्वेश्चन नहीं करना है, मतलब 6 क्वेश्चन करने लॉन्ग। फिर बात करते हैं शॉर्ट, फिर आप सेक्शन शॉर्ट वाला स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने शॉर्ट वाले सेक्शन को भी मतलब यहाँ से लिखा है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे शॉर्ट, मतलब शॉर्ट आंसर पार्ट बी, सेक्शन पार्ट बी लिख दिया, ऊपर हेडिंग डाल दी पार्ट बी, और उसके बाद आंसर नंबर 1 डालेंगे। तो आंसर नंबर 1 को डिफाइन करेंगे, ऐसे ही लगातार आपको 10 पेज में लिखना है। शॉर्ट कितना डिफाइन करना, पूरा 1 पेज भर दो, बस इतना पेज भर दो, चाहे अच्छे से भरो, चाहे बना के लिखो, चाहे कैसे भी लिखो, लेकिन 1 पेज आपको भर देना है शॉर्ट में। तो आप 1-1 पेज भरेंगे तो 10 पेज भर जाएंगे, 10 शॉर्ट कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर उसके बाद आपका आता है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस आपको किस प्रकार से लिखना है, तो मल्टीपल चॉइस का जो सेक्शन होता है, सेक्शन आप डालेंगे जो भी उसका सी वाला सेक्शन है, बट डाल देंगे देखो इस प्रकार से सी वाला सेक्शन डालेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार आप मल्टीपल चॉइस के लिए मतलब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद पहले का आंसर लिख देंगे, केवल आंसर लिखना है, एग्जाम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन उतार कर नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन उतारने का मतलब है कि आप केवल कॉपी फुल कर रहे हो, आपको आता जाता कुछ नहीं है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन से कोई छेड़खानी नहीं, केवल पेपर में क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर कॉपी में लिखना है। एग्जामिनर के पास खुद से पेपर होता है, वो पेपर देख के खुद से जो है आपका चेक कर सकता है, जरूरी नहीं कि आप कॉपी में लिखेंगे तब के उसके बाद जो है एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक मतलब पढ़ेगा। यही बात है तो देखता है एग्जाम के अंदर, कॉपी चेक करता है जैसे आप क्वेश्चन उतार रहे हो। अब जब आप क्वेश्चन ही उतार रहे हो तो टीचर सोचेगा इसका जरूर पढ़ के देखेंगे, पता नहीं क्या लिखा होगा इसने। फिर जो है क्वेश्चन उतारना नहीं है, मल्टीपल चॉइस को लाइन से करना है, ऊपर नीचे मल्टीपल चॉइस करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका तीसरा कटिंग हो गया, मतलब तीसरा गलत हो गया, तो सीधे सामने उसके लिख दीजिए, कट करके सामने लिख दीजिए। ऐसा नहीं तीसरा काट दिए फिर उसके बाद उसको कहीं और लिखे जाके, बिल्कुल जो भी आपको एग्जाम के अंदर मतलब आंसर लिखना है टोटल शेड्यूल से लिखना है, प्रॉपर शेड्यूल में लिखना है। और उसके बाद दोस्तों आप लगातार जितने भी आपके एग्जाम है टोटल यही प्रोसेस आपको रखना है। एग्जाम के अंदर आपको जाना है तो पेन लेके जाना है, मतलब 2-3 पेन मतलब नीले ले जाना है, नीले और काले ले जाना है। और उसके बाद फिर दोस्तों उसके साथ में आप एक स्केल लिए जाना, और स्केल ले जाने के साथ पेंसिल हो गई और मतलब छोटा मोटा कुछ भी रहता है उसको लिए जा सकते हैं, और नकल किसी प्रकार की लेके नहीं जाना है। तो दोस्तों एग्जाम के लिए आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर यूपी बोर्ड वालों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपके पास अभी भी टाइम है, अभी भी आप मतलब अगर मेरे नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो 199 में टोटल सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आप जो है पढ़कर उससे पास हो सकते हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत इजी लिखा हुआ है, आप 2 दिन में पढ़ के भी पास हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।